what we will discuss today, that is, firstly, image formation by concave lens, convex lens. In previous class, we have studied. And what are the rules for the image formation by concave lens? That also we have discussed. Now, we will discuss about the image formation by concave lens. ठीक है? हम लोग convex lens के द्वारा image formation पढ़ लिए. दो position पर मैंने discuss कर लिया. चार आप खुद करके देखेंगे. यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो you can contact me. और concave lens के लिए rules मैंने बता दिया. आज मैं उस पर image formation बताऊंगा. ओके okay? और फिर हम लोग साइन कन्वेंशन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू लेंस दैट आल्सो वी विल डिस्कस. ओके तो स्टार्ट कॉनकेव लेंस रूल मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर ही देता हूं ताकि कोई दुविधा ना हो. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर and this will be f2 and 2f2 and this is f1 and 2f1. ठीक तो रूल ये है. आपको छोटे पैमाने पे मैं बता देता हूं कि एक तो हो गया कि यदि पैरेलल जा रहा है तो ये डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा फ्रॉम फोकस. ओके तो दिस इज फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज इफ रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट डेविएट. एंड द थर्ड इज यदि कोई रे ऐसा उसका ट्रेंड हो कि वो फोकस की ओर आ रहा हो तो इट विल बिकम पैरेलल. दिस इज दीज आर द रूल्स for image formation in case of concave lens. Now, we will take position where we will place our object. So, मैं एक रख रहा हूं between optical center and infinity. Okay, between optical center, between ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ये मैं रखा. मीन्स बियॉन्ड 2f2 हो जाएगा बच्चे. होगा ना. हेलो प्यारे बच्चे. होगा बियॉन्ड 2f2. तो मैं क्या करूं वही सब रूल अप्लाई करता हूं. बीच में ऐसा सेपरेशन दिखा देना बहुत अच्छा रहेगा. तो फर्स्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So it will appear to diverge from focus. Okay. Appears as it coming from the focus. This is the rule. Now what is the second rule? What will be the second rule we can apply here? This is. ये first rule मैंने apply किया और second ये apply करता हूँ. क्योंकि दो ray अगर मैं लूंगा तो इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा इसलिए. ओके बच्चे मेरे प्यारे प्यारे ऑप्टिकल सेंटर. यस दिस तो मैं क्या पाया इंटरसेक्शन मिला मुझे है ना. और ये यहां मिला बड़ा छोटा मिला है ना बहुत छोटा. तो क्या लिखूंगा मैं नेचर क्या लिखूंगा बच्चे. पहला लिखूंगा बिटवीन ओ एंड एफ. दूसरा लिख देता हूं कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है इसलिए क्या होगा बोलिए बच्चे. सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है तो क्या होगा. वर्चुअल और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है धीरज है ना धीरज.
समय आ गया है कि अब हम लोग मिलेंगे कुछ दिनों में आपसे ऑफलाइन, क्योंकि स्कूल खुल रहा है ना। 11th 12th खुलेगा, उसके बाद 9th 10th की बारी है। तुम गलत पढ़ा। हाँ, तुम्हारा पेपर आज स्पेशल छपा है क्या रिसर्च? स्मॉलर इन साइज। तुम पढ़ लिए और 10th 12th का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समझ गया, और वो कैसेट लगा दिए तुम स्कूल खुलने वाले में, क्या रिसर्च? तो ये समझ में आ गया। हाँ, यही सब वायरल हो जाएगा, ये सब वायरल करता है क्या? एकदम समीर, ये रेडी रहो, और इस बार तो मैं भी नोट्स पूरा लूंगा, इस बार मैं नोट्स पूरा लूंगा, जमा करवाऊंगा। 9th में मैंने छोड़ दिया था, 10th में सारे का नोट्स लूंगा, क्योंकि ये बोर्ड है, नहीं बनाया तो उसका मिलेंगे, ऑफलाइन में हम लोग मिलेंगे, मुलाकात होगी। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो अनपा ओहो ना अन अच्छा, अब मैं इंक्लूड करूंगा समीर, समीर कुछ ज्यादा बातें होने लगे, ठीक है? और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये अलग बात है कि आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है। नाउ द सेकेंड सिचुएशन, वी विल टेक दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, बहुत आसान, पैरेलल ले लिया मैंने, पैरेलल इंफिनिटी है, पैरेलल आ रहा है, सेपरेशन ड्रॉ कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और ये अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, या दिस इज, और क्या लिखूंगा यहां पर? सब वही बात, सब वही बात, एट फोकस बना, एट फोकस, दूसरा एकदम छोटा बना, छोटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज इमेज, एंड थर्ड इज दैट इट इज वर्चुअल। ओके, तो कॉनकेव में ज्यादा कुछ नहीं बताना है, दो ही एक ले लिए, एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, और सेकेंड ले लिया एट इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेचर ऑफ इमेज हमेशा सेम होगा। ओके, वर्चुअल इरेक्ट। नाउ, अब आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग, जो बच्चे फिजिक्स में बहुत मजा लेते हैं उन सब के लिए आ गया है टॉपिक, दैट इज लेंस फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। उससे पहले मैं कुछ साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूं। मुझे बार बार ये बात गजब लगता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखा रहता है, लेकिन मैं कार्टेशियन साइन ही लिखता हूं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, तो ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। जहां पर ओरिजिन है वहीं पे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर रखना है, समझे बच्चे? ये हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि व्हाट एवर बी द डिस्टेंस इज मेजर,